हाय एवरीवन गुड इवनिंग एवरी एवरी क्या हाल चाल क्या आई uh, होप आप सब अच्छे होंगे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बट मैंने सोचा कि ए एस ट्वेंटी सेवन का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है बच्चों को करवा के ख़त्म कर देते हैं तो थोड़ा सा बस शिरदर्द कर रहा था एक्चुअली तो मैंने इसलिए आधा घंटा क्लास को डिले कर दिया सो so, थोड़ा सा ना वर्ड्स ऊपर नीचे निकल सकते हैं मैं सुबह से ध्यान दे रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूं उनमें ही मैं हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा हूं एनीवेज छोड़ दो ट्वेंटी की बात चल रही थी ए एस ट्वेंटी वेंचर्स और ट्वेंटी ए एस ट्वेंटी सेवन के हमें करने थे क्वेश्चंस बट मैं जानता हूं आपके मन में है कि सर अगर पांच मिनट हमें थोड़ा सा रिवाइज करवा दो तो अच्छा रहेगा यस yes, मैं पांच मिनट में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं सो गुड इवनिंग दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे चलिए हमने ए एस ट्वेंटी सेवन पढ़ा था ए एस ट्वेंटी सेवन का नाम क्या है ए एस ट्वेंटी सेवन का नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर्स इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके से ठीक है ना तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर पढ़ा था ट्वेंटी तक स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था कि एक होता है कंट्रोल एक कंपनी पूरी तरीके से अगर दूसरी कंपनी पे कंट्रोल करती है तो उस कंपनी को सब्सिडी बोलते हैं ए एस ट्वेंटी वन फॉलो करते हैं एक कंपनी अगर किसी कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती पर उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसके पास पावर होता है पार्टिसिपेट होने का तो उस केस में वो कंपनी एसोसिएट कंपनी होती है और ए एस ट्वेंटी थ्री फॉलो करा जाता है बट अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट कंट्रोल है किसी तीसरी कंपनी में तो उस तीसरी कंपनी को कहा जाता है ज्वाइंट वेंचर और जो जिस कंपनी का ज्वाइंट कंट्रोल है उसको कहा जाता है वेंचरर ठीक है वेंचरर तो हम ए एस ट्वेंटी सेवन के अंदर ज्वाइंट वेंचर के बारे में ही पढ़ेंगे और उनके वेंचरर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमने बोला कि भाई ज्वाइंट वेंचर क्या होता है ज्वाइंट वेंचर मतलब वेंचरर वेंचर ऑफ टू और मोर पार्टीज जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है एग्रीमेंट होना जरूरी है कवर्ड बाय द एग्रीमेंट टू अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटी वेयर ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट शेयर द कंट्रोल ओवर सच बिजनेस जो भी बिजनेस किया जाएगा उसके ऊपर सभी पार्टीज का ज्वाइंट कंट्रोल होगा ठीक है फिर हमने डिस्कस किया था ये तो हो गया जौँग जौँग वेंचर तो ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या क्या होना चाहिए दो या दो से ज्यादा पार्टी एग्रीमेंट बिजनेस बिजनेस के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल फिर हमने डिस्कस किया था कि जो ज्वाइंट वेंचर होता है ज्वाइंट वेंचर तीन टाइप का होता है जेसीओ जे सी ठीक है ना सबसे पहले हमने जेसी ए पढ़ा था ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट यहां पर सिर्फ एक असेट या दो असेट या मल्टीपल असेट्स को कुछ पार्टी ने मिलकर इन्वेस्ट किया है हर पार्टी अपनी अपनी बुक्स में अपना अपना शेयर ऑफ असेट दिखाएगा बस इतनी सी बात है पार्टीज Part, uh, ने ज्वाइंट वेंचरर्स ने मिलकर कुछ असेट डेवलप किए हैं हर पार्टी अपनी अपनी बुक्स में अपना अपना असेट का शेयर दिखाएंगे दैट्स इट एक होता है जेसीओ जेसी, ओ, जेसी ओ में बाकायदा प्रॉपर बिजनेस चल रहा है बट एक सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू नहीं चल रहा है एक सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू नहीं चल रहा है मेरी आवाज आ रही है ना बोलिए मेरी आवाज आ रही है ना तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है तो क्या चल रहा है सर टू और मोर एंटिटीज इंटर्ड इंटू एन एग्रीमेंट टू अंडर बिजनेस एक्टिविटी विदाउट फॉर्मिंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी तो बिना किसी सेपरेट लीगल एंटिटी के बिना किसी सेपरेट लीगल एंटिटी के हम एक बिजनेस कर रहे हैं दो पार्टीज तीन पार्टीज चार पार्टीज मिलकर बिजनेस एक्टिविटी कर रही हैं और बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी को किसी एक सेपरेट लीगल एंटिटी किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू रन नहीं किया जा रहा है ठीक है आ रही मेरी बात समझ में यहां पर जेसीओ में भी यही होता है कि यहां पर वो जो बिजनेस चल रहा है उससे इनकम आ रही होगी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक्सपेंसिस हो रहे हैं असेट्स बन रही है लाइब्रेरीज बन रही है हर एक वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में अपना अपना शेयर ऑफ असेट्स लाइब्रेरीज इनकम्स एक्सपेंसेस दिखाएंगे ये भी पॉसिबल है कि कुछ रेवेन्यू के लिए वो आपस में कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू को आपस में शेयर कर रहे हैं और कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू अपना अपना मान रहे हैं कुछ पोर्शन ऑफ एक्सपेंस आपस में शेयर कर रहे हैं कुछ पोर्शन ऑफ एक्सपेंस और इनकम उनका खुद की तरफ से है ठीक है ना कुछ असैट लाइब्रेड को वो आपस में शेयर कर रहे हैं कुछ असट लाइब्रेड वो अपनी अपनी तरफ से लाए हैं तो वो पूरे पूरे उन्हीं के हैं ऐसे रहेगा है। अभी मैं आपको आपको क्वेश्चन करवाऊंगा फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां मैंने आपको पढ़ाया था जेसीई ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी ये जेसीओ की तरह ही है बट यहां पर एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी डेवलप की गई है इनकॉर्पोरेट की गई है इसकी खुद की बैलेंस शीट होगी खुद की एंडल होगी ए लिमिटेड बी लिमिटेड वेंचरर्स है और जेवी लिमिटेड वेंचर है तो ए लिमिटेड अपनी बुक्स में प्रपोशनड कंसोलिडेशन मैथड लगाएगा क्या लगाएगा प्रपोशनेट कंसोलिडेशन मैथड लिमिटेड भी अपनी बुक्स में कंसोलिडेशन लगाएगा जब ये लोग कंसोलिडेशन मैथड लगाएंगे ये लोग अपनी अपनी बुक्स में रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ असैट लाइब्रेट रिकॉर्ड करेंगे कंपेयर करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ और गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालेंगे ठीक है ना और अपनी बैलेंस शीट बना लेंगे That's it. ये हमने पढ़ा था ठीक है तो आज हमें क्या करना है आज हमें क्वेश्चंस करने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ जो इन्होंने क्वेश्चन आपको दिए हैं ना ये क्वेश्चन यार एग्जाम में नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में आने के चांसेस है एग्जाम में अगर आ गए ना तो मतलब आपकी बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत है आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे बट आपको थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है आपके फ्री के मार्क्स हैं बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को देखकर इग्नोर कर लेते हैं बट मैं आपको बता रहा हूं आपके फ्री के मार्क्स आपको मिलेंगे आइए देखिए हालांकि क्वेश्चन की हेडिंग में ही लिख दिया जेसीड अ ज्वाइंट वेंचर टू परचेज अ लैंड कंस्ट्रक्ट एंड सेल द फ्लैट्स मतलब ये लोग क्या करेंगे लैंड परचेस करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे और फ्लैट बेचेंगे फॉर द अ लोन फ्रॉम ऑफ फिफ्टी लैख उसने लोन भी लिया मिस्टर ए ने लैंड परचेज किया लैंड दे दिया ज्वाइंट वेंचर को लोन उसने ले लिया पचास लाख ,00 का आठ परसेंट इंटरेस्ट पर मतलब वो बेचारा लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी बियर करेगा ही ऑल्सो पेड रजिस्ट्रिंग फीस लैंड उसने अपने नाम पे परचेज की तो रजिस्ट्रेशन फीस भी पे की सिक्सटी थाउजेंड का ठीक है ऑन द सेम डे बी द मटेरियल्स ऑफ फोर फिफ्टी का मटेरियल लगाया सी मेट ऑल अदर एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग लेबर अदर एक्सपेंस विच टर्न आउन टू बैख सी ने अपनी तरफ से नाइन लैख inc का खर्चा किया 30 जून को ईच ऑफ देंचर अग्री टू टेक अवे हर एक वेंचरर एक एक फ्लैट अपने ना अपने पास से ले जा रहा है अपने पास ले जा रहा है दस लाख रुपए का फ्लैट ए ले गया बी ले गया सी ले गया बाकी के फ्लैट रेस्ट फ्लैट वर सोल्ड बाई फॉलो। ए से ए ने सेल किए चालीस बी ने सेल किए बीस और सी ने सेल किया दस मतलब अपनी अपनी तरफ से ए ने मार्केट में सेल किया चालीस लाख के, के फ्लैट बी ने सेल किया सी ने सेल किया लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डे मिस्टर ए विद इंटरेस्ट एंड द नेट प्रोसीड्स वर शेयर्ड बाय पार्टनर्स इक्वली ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि प्रॉफिट को वो आपस में इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट को आपस में इक्वली शेयर करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या बोल रहा है ठीक है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर आपसे क्या बोल रहा है एक तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी इन्होंने एक्टिविटी की है उसका एक ड्राफ्ट कंसोलीडेड पेंडल बना के दो और हर एक वेंचरर की बुक्स में जेवी का अकाउंट बना के दो कि उसको जेवी से कितना लेना है कितना देना है ठीक है ना हर एक वेंचरर की बुक्स में जेवी का अकाउंट बनेगा बनाए चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर वन ये है आपका जेसीओ ये आपका जेसीओ सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कंसोलिडेटेड एल ऑफ जेवी जेवी का कंसोलिडेटेड एल क्या क्या आया देखो लैंड इनके लिए एक तरीके से स्टॉक की तरह हो गया बिकॉज लैंड को कंस्ट्रक्ट करके फ्लैट की तरह बेचेंगे ठीक है ना तो क्या क्या खर्चा हुआ तो यहां पर टू लैंड लैंड का खर्चा हुआ किसने खर्चा किया लैंड का ए ने तो लिखोगे बाय ए ठीक है ना लैंड का खर्चा हुआ बाय ए फिर उसके बाद ए ने और क्या किया और क्या किया और क्या किया ए ने सिक्सटी थाउजेंड का रजिस्ट्रेशन फीस पे किया टू रजिस्ट्रेशन फीस बाय ए थाउजेंड का ठीक है ए ए ने ने लोन भी लिया बैंक से ए ने बैंक से लोन भी लिया फिफ्टी लाख रुपीज का एट परसेंट के इंटरेस्ट पर तो उसका 8 का इंटरेस्ट होता है फोर लाख ,00 और ये फ्लैट कब तक कंप्लीट होगा गए तीस जून मतलब सिक्स मंथ्स का इंटरेस्ट भी लगेगा टू इंटरेस्ट कॉस्ट टू इंटरेस्ट कॉस्ट बाय ए सर वो तो ए कर रहा है ना जेवी के नाम पे थोड़ी हो रहा है बेटा जो भी वेंचरर है अगर अपनी जेब से खर्चा करेगा वो तो हिसाब में तो डालेगा ना जेवी के कि भाई हाँ ये खर्चा हुआ है तो दो लाख रुपए का खर्चा ठीक है ठीक है गाइस मेरे साथ साथ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो मैं आपको कसम से बोल रहा हूं आप अगर मेरे साथ साथ नहीं लिख के करोगे ना टिक टिक लगाओगे ना तो मजा इतना नहीं आएगा ठीक है इतना मजा नहीं आएगा मेरे साथ साथ लिख लिख के करो ठीक है मेरे साथ साथ लिख लिख के करो चलो आगे उसके बाद बी ने क्या सप्लाई किया फोर फिफ्टी और फाइव लैख का मटेरियल तो टू मटेरियल टू मटेरियल नाइन फिफ्टी बाय बी बाय बी और सी ने क्या किया सी ने ऑल अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस बाय सी नाइन लाख रुपीज के अदर एक्सपेंसेस नाइन लाख रुपीज के अदर एक्सपेंसेस अब फिर क्या हुआ फिर इसमें से ये लोग एक एक फ्लैट दस दस लाख का लेके चले गए एक एक फ्लैट लेके चले गए दस दस लाख का तो यहां पर हम बोलेंगे बाय फ्लैट्स टेकन बाय ए बी सी दस लाख दस लाख दस लाख मतलब पहले इन्वेंट्री इंट्रोड्यूस की वो इन्वेंट्री लेके चले गए और इसके अलावा बाय सेल ऑफ फ्लैट्स किसने किसने फ्लैट किए बेचे ए ने बेचे फोर्टी लाख के ए ने बेचे फोर्टी लाख के बी ने बेचे ट्वेंटी सी ने बेचे टेन ठीक है इन्होंने ये बेच दिए फिर क्या हुआ वो इंटरेस्ट वगैरह तो आ चुका है और लोन रीपे कर दिया ए ने उसी दिन इंटरेस्ट और नेट प्रोसीड्स को आपस में पार्टनर्स शेयर इक्वली कर रहे हैं चलो निकाल लो कितना आया 80 और माइनस सिक्सटी सिक्सटी दो नौ पचास नौ लाख अठारह नब्बे डिवाइड बाय थ्री तो ये पार्टनर्स आपस में शेयर कर रहे हैं टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट ए सी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया यहां तक कोई दिक्कत सर वेन विल सी फाइनल लाइव क्लासेस बेटा अक्टूबर मिड में आएगा अक्टूबर मिड में आएगा बेटा चलो सर ए yes, बता दो प्लीज इंपॉर्टेंट वाले चलो लिख लिया अब वो क्या पूछ रहा है अब वो पूछ रहा है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचर मैं आपको बुक्स ऑफ ए बता देता हूं बुक्स ऑफ मिस्टर ए जेवी अकाउंट अगर आप मिस्टर ए हो तो आप जेवी के खाते में क्या क्या डालोगे जो जो आप अपनी जेब से करोगे खर्च वो अपनी जेवी के खाते में डालोगे जो-जो आप अपनी जेब से खर्च करोगे वो जेवी के खाते में डालोगे ठीक है सर टॉपिक ट्रांजैक्शन बिटवीन ज्वाइंट वेंचर एंड वेंचर आप करवाओगे क्या हाँ मैं करवाऊंगा हाँ जी मैं करवाऊंगा तो ए जो जो खर्चा करेगा जेवी के लिए वो जेवी के खाते में डालेगा और उसको जेवी से जो मिलेगा वो वो क्रेडिट लेगा ठीक है ना तो एक सेकेंड डेबिट क्या क्या करेगा ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए क्रेडिट ऑल रिकवरीज बाय ए ऑल रिकवरीज बाय ए तो टू बैंक इसने सबसे पहले तो साठ लाख का लैंड खरीदा टू इंटरेस्ट इसने दो लाख रुपए का इंटरेस्ट इनकर किया टू रजिस्ट्रेशन फीस इसने साठ हजार का रजिस्ट्रेशन फीस इनकर किया जेवी को उससे छह तीस और चाहिए एज अ शेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको छह तीस चाहिए उसको क्या क्या मिला बाय फ्लैट उसको मिला दस लाख का बाय बैंक उसने जो फ्लैट बेचे हैं फोर्टी लाख के उसने वो कलेक्ट किया उसने वो कलेक्ट किया अब देखो ए ने खर्चा कितना किया और ए को रिकवर कितना हो गया है ऑलरेडी जेवी के नाम पे उसने इतना खर्चा किया उसको इतना और रिकवर करना है ठीक है ये क्या है इतना ऑलरेडी खर्चा कर चुका है इतना रिकवर हो चुका है ऑल रिकवरीज बाय ए ठीक है अब देखो जेवी का अकाउंट हम पूरा अभी नहीं बनाए अभी देखो कितना भी मुझे रिकवरी करना बाकी है सिक्सटी टू लैख सिक्सटी थाउजेंड और सिक्स थर्टी ये सिक्स थर्टी है माइनस टेन लैख माइनस फोर्टी लैख तो रिकवरी मेरे को कितनी होना बाकी है 1890 और रिकवर करना है किससे करेगा वो जेवी से जेवी के अदर पार्टनर से 1890 1890 मुझे जेवी के अदर पार्टनर से रिकवर करना है तो मैं इसको रफ में लिखा है अभी रुक जाओ अब जैसे 20 बुक्स 20 बुक्स जेवी अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट में क्यों लिया नहीं समझ में आ रहा बेटा जेवी ने प्रॉफिट कमाया तो उसका शेयर किसको मिलना चाहिए ए को तो ए अपनी जेवी को क्या बना लेगा एक तरीके से डेटर वो बोलेगा तू मेरा डेटर है तू मुझे ये सब देगा देख वापस से समझ मैं इसीलिए बोल रहा हूं अगेन बोल रहा हूं एक बार में ध्यान से सुनो जेवी लिमिटेड को मैं अपना एज अ डेटर बना रहा हूं डेटर मैं बोल रहा हूं मैंने साठ लाख का खर्चा किया तेरे लिए मुझे तेरे से साठ लाख चाहिए मैंने दो लाख का इंटरेस्ट का खर्चा किया तेरे लिए मुझे दो लाख भी चाहिए मैंने रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बियर की तेरे से चाहिए तूने ये सब धंधा किया तो उसमें तूने प्रॉफिट कमाया उसमें मुझे तेरे से छह लाख तीस हजार का प्रॉफिट भी चाहिए तो मुझे तेरे सब तुझसे ओवरऑल ये सब चाहिए ये तो मेरा कॉस्ट है प्लस ये मेरा प्रॉफिट है ठीक है ना तो ये मेरा कॉस्ट मुझे चाहिए ये मेरा प्रॉफिट मुझे चाहिए मुझे ओवरऑल तुझसे इतना चाहिए फिर जब हमने फ्लैट बेचे तो मुझे क्या क्या मिल गया मुझे टेन लैख मिल गया मुझे टेन लैख मिल गया ठीक है मुझे टेन लैख का फ्लैट मिल गया इसके अलावा मैंने ही कुछ फ्लैट लेके अपने पास पैसे रख लिए मैंने चालीस लाख रुपए अपने पास रख लिए तो मुझे इतना मिल गया इतना मिल गया अभी मुझे इतना और चाहिए आया समझ में कि नहीं चैतन्य अब देखो बी क्या बोलेगा मैंने आपके लिए मटेरियल का खर्चा किया नाइन फिफ्टी का ठीक है मैंने तुझे तूने प्रॉफिट कमाया टू शेयर इन प्रॉफिट मुझे तेरे से प्रॉफिट भी चाहिए छ तीस का हाँ मुझे तेरे से एक फ्लैट मिला मुझे मैंने कुछ फ्लैट बेचे तो मुझे बीस लाख रुपए भी मिले अब देख बी के मजे ही मजे बी बोल रहा है मैंने खर्चा किया सिर्फ इतना और मिल गया ज्यादा तो मतलब मुझे किसी को चुकाना पड़ेगा बी ने कितने की रिकवरी कर ली थर्टी लाख ,00 की जबकि उसने खर्चा कितना किया था नाइन फिफ्टी उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है सिक्स थर्टी तो बाकी बी क्या करेगा बी बोलेगा भाई मुझे ए को देना है टू ए अकाउंट मुझे ए को देना है चौदह बीस मुझे ए को देना है तो ए यहां से बोलेगा हां वही मैं सोचू मुझे बी से लेना है बाय बी अकाउंट बाय बी कितना चौदह बीस बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं ठीक है वैसे ही आप सी का अकाउंट बनाओ सीज बुक्स सीज बुक्स जेवी अकाउंट सी बोलेगा मैंने अदर एक्सपेंसेस के खर्चे किए नाइन लाख के मुझे प्रॉफिट का शेयर चाहिए सिक्स थर्टी का मुझे आपसे फ्लैट मिला टेन लाख का मैंने भी कुछ फ्लैट बेचे टेन लैख के तो मैंने टोटल मिला के ट्वेंटी लैख रिकवर कर लिए जबकि मुझे मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए फिफ्टीन थर्टी तो मुझे ज्यादा मिल गया मुझे ए को देना पड़ेगा टू एज अकाउंट मुझे ए को देना पड़ेगा फोर सेवेंटी ये बोलेगा हाँ वही तो मैं कहूं एज अकाउंट लॉजिकली सही भी है बेचारे ए ने बहुत सारे खर्चे किए प्रॉफिट उसको सिक्स थर्टी मिल रहा है प्रॉफिट सबको सेम मिल रहा है तो ए बोलेगा सालो तुम लाओ पैसे मुझे मैंने इतने सारे पैसे खुद खर्च किए तुम लाओ मुझे पैसे ठीक है रियल लाइफ में ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि ए सारी की सारी रिस्क बेयर कर रहा है खुद प्रॉपर्टी खरीद रहा है खुद लोन ले रहा है ऐसा ठीक है चल ये समझ में आया क्या था ये जेसीओ कैसी हो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जेसीए कैसी है कैसी है सर आप पहले से फिट लग रहे हो भाई थैंक यू सो मच तेरे दस मार्क एक्स्ट्रा आएंगे हर सब्जेक्ट वैसे मैं हुआ नहीं हूं फिट बट तू बोल रहा है मुझे उसी से मोटिवेशन मिल गया चल ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड, डिसाइडेड टू ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट पाइपलाइन, डिसाइडेड टू ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट पाइप पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द गैस क्या बोल रहा है ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट अ पाइपलाइन बेटा ये ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट है यह क्या है ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट ट वॉज मैनुफेक्चर्ड बाई देर दिस पर्पज फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड बाई देम अब वो पाइपलाइन बनाने के लिए क्या करना है पाइपलाइन बनाने के लिए बिल्डिंग का खर्चा आएगा ट्वेल्व लाख रुपीज का जिसको पांच परसेंट से डेप्रिशिएट भी करते हैं पाइपलाइन का खर्चा आएगा सिक्सटी लाख रुपीज का जिसको फिफ्टीन परसेंट से डेप्रिशिएट करते हैं कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स का खर्चा आएगा थ्री थ्री लैख से जिसको डेप्रिशिएट करते हैं फोर्टी परसेंट से और बहुत सारे व्हीकल्स खरीदे जिसका नाइन लाख रुपीज का खर्चा आएगा और डेप्रिशिएट किया ट्वेंटी परसेंट से ये सारी कॉमन असेट्स हैं ऑल दीज आर कॉमन असेट्स लिखो ऑल दीज आर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट्स ये सब ज्वाइंटली कंट्रोल्ड असेट्स हैं ठीक है ना इनको आपस में कौन कौन बियर करेंगे कौन कौन दिखाएंगे अपनी अपनी बुक्स में एबीसी दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इक्वली बियर द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पाइपलाइन क्या बोल रहे हैं इक्वली क्या बोल रहे हैं इक्वली मतलब जितने भी एक्सपेंसिस किए गए वो सब इक्वल बियर करेंगे एक्सपेंसिस जो भी होंगे वो सब इक्वल करेंगे छह लाख रुपए के खर्चे आ रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसॉलिडेट बैलेंस शीट एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ ईच वेंचरर हर एक वेंचर की बुक्स की बैलेंस शीट में क्या क्या असेट दिखेगी और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या दिखेगा और एक कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाई जाए तो क्या होगा तो पहले मैं आपको आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ये है जे सी ए extracts of financial statement of each venturer each venturer har ek venturer ठीक है तो पहला कौन A limited ए लिमिटेड ए लिमिटेड क्या बताएगा ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या दिखेगा ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में क्या दिखेगा देखिए दिखे. बिल्डिंग कितनी है ट्वेल्व लाख ट्वेल्व लाख में से ट्वेल्व लाख में से फाइव परसेंट माइनस करो ट्वेल्व लाख में से फाइव परसेंट माइनस करो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें हालांकि बिल्डिंग ट्वेल्व लाख ट्वेल्व लाख का परसेंट सिक्सटी थाउजेंड इलेवन फोर्टी बचा वैसे ही पाइपलाइन सिक्सटी लैक्स कितना परसेंटेज पंद्रह परसेंट नाइन लैक्स तो ये बचेगा फिफ्टी वन लैक्स कंप्यूटर्स अदर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्री लैक्स थ्री लैख का फोर्टी परसेंट वन ट्वेंटी वन एटी वहीकल्स वेहीक नाइन लैख डेप्रिशन ट्वेंटी परसेंट पचास सात बीस अब अगर यहां लिखा है कि इक्वली बियर करेंगे एक्सपेंसेस तो असेट को भी इक्वली शेयर करेंगे अज्यूमिंग ऑल वेंचरर्स शेल शेयर असेट्स इक्वली इक्वली शेयर करेंगे तो बताओ ए की बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या क्या दिखेगा क्या क्या दिखेगा बिल्डिंग पाइपलाइन कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स और व्हीकल्स, ठीक है 1140 फोर्टी डिवाइड बाय थ्री मतलब 380 एटी फिफ्टी वन लाख मैं ये कर रहा हूं इलेवन फोर्टी डिवाइड बाई थ्री फिफ्टीड्रीन एटी डिवाइड ये दिख रहा है लाख इस तरीके से बी लिमिटेड भी ऐसे ही करेगा ये सी लिमिटेड भी ऐसा ही करेगा यस yes. yes. सब अपने अपनी बुक्स में इतना इतना दिखाएंगे बोलो बेटा सब अपनी बुक्स में इतना इतना दिखाएंगे आया समझ में कि नहीं ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट था अब मैं आपको बना के दे रहा हूं एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएं पीएं एक्स्ट्रैक्ट पीएं एक्सट्रैक्ट में क्या होगा एक तो डेप्रिसिएशन आएगा डेप्रिसिएशन आएगा ये डेप्रिसिएशन निकालिए सिक्सटी नाइन लैक्स वन ट्वेंटी वन एटी डिवाइड बाई थ्री तो डेप्रीशन लगाएगा फोर ट्वेंटी का और इसके अलावा और कौन से खर्चे होंगे टोटल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस छह लाख रुपए छह लाख रुपए के मेंटेनेंस तो ये किसका था ए लिमिटेड का अब ए लिमिटेड का बी लिमिटेड का सी लिमिटेड का तीनों का सेम ऐसा बनेगा तीनों का सेम ऐसा बनेगा देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ये देखिए बुक्स ऑफ ए बुक्स ऑफ ए ए ने अपनी बुक्स में चार बीस एक सेकेंड 6 लाख क्या है कम्स टू एक सेकेंड छह लाख टोटल है सॉरी 6 लाख टोटल है तो दो लाख दिखाएगा 6 लाख टोटल है तो दो लाख दिखाएगा तो ये देखिए इसने क्या दिखाया दो लाख के खर्चे दिखाए ही शीट में तेईस अस्सी बैलेंस शीट में भाई इसका टोटल करिए तीन अस्सी सत्रह साठ दो चालीस हाँ ट्वेंटी थ्री एटी तो अगर आप देखोगे तो हर किसी की बैलेंस शीट आपको ऐसे ही दिखेगी चार बीस दो तीन तेईस अस्सी चार बीस दो तेईस अस्सी ये नोट्स वो अकाउंट्स उन्होंने छाप दिए ठीक है अब वो क्या बोल रहा है ड्राफ्ट कंसोलीटेट बैलेंस शीट बनाओ कंसॉलीटेड बैलेंस शीट बनाओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीपी -पी दिखेगा कितना पीपी दिखेगा पीपी -पी अगर तीनों बैलेंस तो इन सबका टोटल दिखेगा सेवेंटी वन फोर्टी सेवेंटी वन फोर्टी इन सबका टोटल दिखेगा और ऊपर क्या दिखेगा ऊपर दिखेगा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड ने मिलकर आपको शेयर कैपिटल लगाया होगा फोर्टी वन सेवेंटी वन फोर्टी दैट इसी इस तरीके से निकलेगा ठीक है क्या था ये सर जेसीए क्या था कुछ नहीं चलिए दो क्वेश्चंस करवा लिए और बताओ आगे बढ़ सकता हूं आगे बढ़ सकता हूं ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी क्वेश्चन नंबर थ्री jointly controlled entity Aajow. a limited a uk based company entered into a joint venture with b limited in india wherein b limited will import the goods manufactured by a on account of joint venture sale them in india a limited b limited agree to share the expense and revenue in the ratio of 5 is to 4 profits are distributed equally a limited invested 49% of the total capital बट हेज इक्वल शेयर इन ऑल असेट्स एंड इज इक्वली लाइबल फॉर ऑल द लाइब्रिटीज ऑफ द ज्वाइंट वेंचर तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है फोर्टी नाइन पर असेट्स लाइब्रिटीज में इक्वल शेयर है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ज्वाइंट वेंचर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर परचेज अदर एक्सपेंस सेल्स प्रॉपर्टी प्लांट एंडमेंट करंट अट्स अनसिक्योर्ड लोन करंट लाइब्रिटीज कैपिटल मजाक है मजाक ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही नहीं ठीक है उन्होंने आपको ट्रायल बेलेंस दे दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट वन लैक ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी जीरो होगी ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो होगी क्योंकि फर्स्ट ईयर है बेटा फर्स्ट ईयर है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसल्टिड फाइनेंशियल भाई मैं आपको बता रहा हूं मतलब क्या दे रहे हैं वो लोग क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं मतलब ठीक है वैसे भी उस सेपरेट एंटिटी की ट्रायल बैलेंस दी हुई है बस उससे आपको मिला मिला के आपको क्या करना है एक बार पी एंड एल और बैलेंस शीट बना के देना है मैं आपको बोलूं ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देंगे वो एग्जाम में नहीं देंगे बट आप एक बार एटलीस्ट देख लीजिए आपको पता है कि परचेज अदर एक्सपेंस सेल ये तीनों कहाँ आती है ये तीनों पी एंडल में आती है तो डाल दो पी एंड एल में सेल परचेज एक्सपेंस अदर एक्सपेंस और चेंजेस इन इन्वेंट्री आता है वन लैख का और फिर कैपिटल करंट लाइब्रेरी अनसिक्योर्ड लोन कहां जाता है लाइब्रेरी साइड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट करंट एसेट कहाँ जाता है हैसेट साइड और एक रिजर्व आ जाएगा पीएडल जो पी से प्रॉफिट कमाया वो रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा आपके बैलेंस शीट टैली हो जाएगी एक बार आप देख लो एक बार एटलीस्ट एक बार ये तो मैं आपको बोलूंगा लिखो भी मत टाइम वेस्ट है इसका अगला क्वेश्चन फिर भी अच्छा है मैं बोलूंगा इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है टाइम वेस्ट है एक बार देख लो एक बार देख लो और मुझे दो मिनट का टाइम दो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं ए लिमिटेड इंटर्ड इंटू बी लिमिटेड ऑन वन इज टू वन बेसिस एंड अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड वाज़ फॉर्मड हां ये जो है ना सी लिमिटेड ये है तुम्हारी जेवी फॉर द सेम पर्पस ठीक है एंड फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री कंपनीज एक मिनट बैलेंस शीट देख लो हाँ जी सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन एक एक्चुअली दामिनी का ही कॉल आ रहा था घर से तो इसीलिए उठाना पड़ा चलिए तो बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री कंपनीज है अब ध्यान से देखिएगा ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बी लिमिटेड की बैलेंस शीट सी लिमिटेड की बैलेंस शीट ये फिर भी ढंग का क्वेश्चन है ये ढंग का क्वेश्चन है अब देखो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल एंड सरप्लस लोन करंट लाइबिलिटी

कुछ चीजों को छुपाया है जानबूझकर जो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकती है ठीक है ना गाइस देखिए 250 250 का इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होगा कि सर जो सी लिमिटेड है उसका रिजर्व सरप्लस बारह लाख है तो सर बारह लाख में से प्री कितना पोस्ट कितना बारह लाख में से प्री कितना पोस्ट कितना कोई मुझे बताएगा अपने अंदाजे से कोई मुझे मुझे अपने अंदाजे से बता पाएगा प्री कितना पोस्ट कितना सोच के बताओ सोच के बताओ क्योंकि रिजर्व सरप्लस सी लिमिटेड के हैं तो इसमें से प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कितना तो यहां पर कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बट बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इन्होंने कहा है न्यू कंपनी को उन्होंने फॉर्म किया है फॉर्म किया है मतलब कंपनी जीरो से स्टार्ट हुई है कंपनी जीरो से स्टार्ट हुई है मतलब बारह लाख पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बारह लाख पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐसा क्यों क्योंकि सी लिमिटेड को फॉर्म किया गया तो जिस दिन फॉर्म किया होगा किया गया होगा उस दिन उसका प्रॉफिट कुछ होगा ही नहीं वेरी गुड बहुत सारे बच्चों ने सही बिल्कुल तरीका बोला तो यहां पर आप क्या करोगे हमें क्या कहा गया है बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड अंडर प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड तो मैं आपको मैं आपको ए लिमिटेड का बुक्स बना दूंगा बी का आप खुद बनाओगे बुक्स ऑफ ए प्रपोशनेट कंसोलिडेशन मेथड प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पर सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या आता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट Investment हमने कितने किए हैं ढाई लाख माइनस प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स प्रपोर्शनेट असेट्स मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्रपोशनेट फिफ्टी परसेंट कितना इक्विटी कैपिटल कितना है सी का पांच लाख तो कितना ढाई लाख और प्री प्रॉफिट कितना पचास परसेंट कितना जीरो तो अगर आप ये माइनस करोगे तो गुडविल गेन और कैपिटल रिजर्व जीरो आ जाएगा कुछ आया समझ में कुछ आया समझ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम दिखा नहीं सकते तो इसका मतलब अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंसोलिडेट बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे कंसोलिडेट बैलेंस शीट में कब दिखाएंगे बेटा ए एस सेवन में थोड़ा टाइम है लूंगा ए एस सेवन में थोड़ा टाइम है शेयर कैपिटल टेन लाख शेयर कैपिटल टेन लैक्स रिजर्व सरप्लस एटीन रिजर्व सरप्लस एटीन लाख इसके खुद के प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बारह लाख बारह लाख का आधा छह लाख ,00 तो ये हो गया ट्वेंटी फोर लैक्स फिर उसके बाद लोन तीन लाख ,00 लोन तीन लाख तीन लाख में प्लस करेंगे जेवी का शेयर दो लाख का आधा एक लाख ये हो गया चार लाख करंट लाइब्रिटी चार लाख और आधा शेयर पचास हजार का करंट लाइब्रिटी चार लाख और पचास हजार का चार पचास चार ये और उसका पचास कितना आया टेन लैक्स ट्वेंटी फोर लैक्स फोर लैक्स फोर फिफ्टी क्या आ गया फोर्टी टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड फिर आएगा पी पी थर्टी फिफ्टी और ट्वेंट नाइनटीन फिफ्टी का नाइनटीन फिफ्टी का डिवाइड बाई टू नाइन सेवेंटी फाइव नाइन सेवनटी फाइव ये हो गया फोर्टी लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है करंट असेट्स अच्छा इन्वेस्टमेंट जे भी हट जाएगा करंट असेट्स करंट असेट्स दो लाख ठीक है और दो लाख में इसका आधा पच्चीस हजार तो दो पच्चीस टोटल करो 42 50 बोलो बेटा क्या दिक्कत क्या परेशानी है ठीक है अब ए का मैंने बना लिया बी का तुम बना लोगे बोलो जी प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इस तरीके से वर्कआउट करता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इस तरीके से वर्कआउट करता है पर क्या इंस्टीट्यूट इतना ही पूछेगा नहीं जैसे सब्सिडरी के क्वेश्चन आते थे उसके अंदर तुम्हें एओपी बनाना पड़ता था प्री अलग पोस्ट अलग पोस्ट के अंदर डिविडेंड का एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट वो भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है वो भी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है वो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव नहीं आई नहीं आई नहीं आई आई नहीं आए नहीं जो हाँ कभी नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव थियोरिटिकल क्वेश्चन है सिर्फ पूछ रहा है क्या करेंगे तो ध्यान से सुनिए जेवीआर इन्वेस्टमेंट ऑफ नाइंटी सेवन पॉइंट एट फोर क्रोर्स इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ क्यूएसआर लिमिटेड इन परसुएंस ऑफ अ ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट इल इलेवन ट्वेल्व ट इज मोर देन टीक है नाइनटी से इनवेस्टमेंट है ठीक है लिमिटेड हैज बीन इन कंटिन्यूस लॉसेज फॉर लास्ट टू ईयर्स कंटिन्यूस लॉसेज फॉर लास्ट इब देखो ये कौन है जे वी आर कौन है एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर जेवीआर ने किसके अंदर पैसा लगाया क्यू एस आर के और वो कौन है जेवी और कितना पैसा लगाया 97.84 का कॉस्टिंग अब ये कंपनी पिछले दो साल से प्रॉफिट लॉसेस uh, में है जेवीआर इज विलिंग टू रीअसेस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जेवीआर बोल रहा है यार लॉसेस में है वो कंपनी तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटा दू क्या री वैल्यू करू क्या इन क्यू एंड विश टू प्रोवाइड फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट

अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में हो सकता है इन्वेस्टमेंट इन फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट इन एनी एसोसिएट जब आप अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो इन्वेस्टमेंट in इन सबसिडी जेवी एसोसिएट इन सबको ए एस के हिसाब से रिकॉर्ड करते हो और जब आप कंसोलिडेशन करते हो तो तो फिर जो मैंने आपको बताया हुआ है फिर आप रिस्पेक्टिव एएस लगाते हो ये वाले फिर आप रिस्पेक्टिव ए एस लगाते हो ये वाले तो इन्वेस्टर अपनी स्टैंड अलोन में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ए एस थर्टीन लगाता है ए एस थर्टीन लगाता है ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट्स ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट ठीक है थर्टीन क्या बोलता है थर्टीन बोलता है इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होते करंट और लॉन्ग टर्म करंट को मेजर किया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर जबकि लॉन्ग टर्म को हम हमेशा कॉस्ट पे मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू ना बढ़ाते हैं ना गिराते हैं हां वैल्यू गिरा सकते हैं इफ देर इज अदर देन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ देर इज अदर देन दे रिडक्शन ठीक है अब हमें यहां पहचानना है कि वो बोल रहा है जेवीआर बोल रहा है वो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराना चाहता है मतलब वो ए एस का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है एस थर्टीन का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है ठीक है ना और पिछले दो साल से वो कंटिन्यूस लॉसेस में है अब मोर देन बारह महीने हो चुके हैं मतलब लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया है है वो 12 महीने पुराना है। मतलब ये लॉन्ग टर्म नेचर का है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम हमेशा किस पे दिखाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम हमेशा दिखाते हैं कॉस्ट पे अनलेस देर इज अदर देन टेम्परिरी रिडक्शन तो सर पिछले दो साल से कंपनी लॉसेस में है अगर आगे नहीं लिखा होता कि कंपनी का फ्यूचरिस्टिक प्लान है प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान है प्रोजेक्शन है अगर यह नहीं लिखा होता तो डेफिनेटली हम बोलते कि यस जेवीआर सही सोच रहा है ए एस थर्टीन के अकॉर्डिंग इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी रिडक्शन करना पड़ेगा बिकॉज दो साल से वो लॉसेस में है तो डेफिनेटली ये एक अदर देन टेम्पररी रिडक्शन है उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में बट क्योंकि क्यूएसआर बोल रहा है कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है ऑपरेशन अभी फ्यूचरिस्टिक प्लान है प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो अगर क्यूएसआर की बात सही निकली तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो रिडक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से एक टेंपरेरी रिडक्शन है अभी फ्यूचर में ग्रोथ होगी सर क्या बोल रहे हो ये तो प्रूडेंस हो गया नहीं बेटा ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में तुम मुझे बताओ जोमेटो का एग्जांपल ले लो हां टो का एग्जाम्पल ले लो कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो अब जाके प्रॉफिट में आए हैं कितने सारे स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स हैं 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 कई सारे ऐसे हैं जो अब जाके प्रॉफिट में आए ठीक है ना तो स्टार्टअप ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में बहुत सारा पैसा जलाना पड़ता है बहुत सारा पैसा बर्न करना पड़ता है फिर जाके प्रॉफिटेबिलिटी आती है आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं फिर जाके प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि यस यहां पर हम रिडक्शन नहीं करेंगे बिकॉज फ्यूचर के प्लान हैं प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो रिडक्शन है वो टेम्प्ररी रिडक्शन है इसीलिए हमें वैल्यू कम करने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है ए एस थर्टीन का बेसिक प्रोविजन लिखना है और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देना है कि क्योंकि उसका फ्यूचरिस्टिक प्लान है बिजनेस प्लान प्रॉफिटेबल है तो हम कह सकते हैं कि जो रिडक्शन आया है वो अदर देन टेम्प्ररी नहीं है वो टेम्प्ररी रिडक्शन है ठीक है आई बात समझ में बोलो बेटा क्लियर चलिए इसी के साथ आपके क्वेश्चन के बुक के सारे इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए पर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है एक क्वेश्चन बचा हुआ है विच आई कंसिडर इट एज मास्टर क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट आती है होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट चारों आती है holding, और इन चारों को कंसिडर करके अगर आप मान लो क्वेश्चन करते हो सॉल्व तो आप को यह भी समझ में आ जाएगा कि कंसोलिडेशन में हमें सब्सिडरी को कैसे ट्रीट करना है जेवी को कैसे ट्रीट करना है और असोसिएट कंपनी को कैसे ट्रीट करना है ठीक है अदर देन टेम्पररी मतलब एक तरीके से कंपनी की वैल्यू डाउन हुई है रिकवर होने में टाइम लग जाएगा इसको बोलते हैं अदर देन टेम्प्ररी रिडक्शन मतलब वैल्यू डाउन हुई है पर कुछ ही टाइम में अप हो जाएगा टेम्पररी अदर देन टेम्प्ररी मतलब वापस रिकवरी होने में टाइम लगेगा वापस रिकवर होने में टाइम लगेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टैंड अलोन बैलेंस शीट सबके दिए हुए ठीक है ठीके? और यहां पर होल्डिंग लिमिटेड का एस में 80% परसेंट जेवी में 50% एसोसिएट में 30% अदर एसेट्स डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सर प्लस प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एच लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग वर्किंग फॉर सब्सिडरी पहले सब्सिडरी की वर्किंग करेंगे सब्सिडरी की वर्किंग में क्या आएगा सबसे पहले एओपी आएगा एओपी में प्री पोस्ट टोटल डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है वन जुलाई वन जुलाई ट्वेंटी थ्री यहां प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिजर्वेंस सरप्लस का बैलेंस क्या है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का नहीं सेवेंटी फाइव नहीं है सेवन फिफ्टी है गाइस ठीक कर देना सेवन फिफ्टी है और ओपनिंग कितना है फोर एटी तो ओपनिंग है फोर एटी क्लोजिंग है सेवन फिफ्टी ये वन फोर का है तो सेवन फिफ्टी माइनस फोर एटी ये टू सेवनटी ठीक है ना अब क्योंकि डेट ऑफ एक्वेशन जुलाई है तो ये आ जाएगा अप टू वन जुलाई और ये आ जाएगा जुलाई टू मार्च तो टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टू सेवेंटी करवाऊं ना कि मस्ती मजाक में कर रहे हो तुम लोग पढ़ाई करवाऊं कि नहीं करवाऊं डिवाइड बाय ट्वेल्व इन टू थ्री सिक्सटी सेवन फाइव हंड्रेड तो यहां आ गया 547 500 202 500 दैट्स इट इसमें होल्डिंग और एम आई एटी ट्वेंटी थर्टी एट वन जीरो नाइन फाइव हंड्रेड वन सिक्सटी टू फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये एओपी बन गया एओपी के अलावा और क्या बनाएंगे एओपी के अलावा और क्या बनाएंगे नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं एओपी के अलावा बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल ट्वेंटी परसेंट ले लो सब्सिडी का सब्सिडी का ट्वेंटी परसेंट ले लो मतलब एट लैक्स एट लैख का ट्वेंटी परसेंट वन सिक्सटी इसमें प्री प्रॉफिट ले लो वन जीरो फाइव हंड्रेड और पोस्ट प्रॉफिट ले लो चालीस हजार पांच सौ तीन दस तीन दस ठीक है तीसरी क्या चीज करेंगे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट कितना किया इलेवन लैख सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट कितना किया इलेवन लैख माइनस 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 प्रोपोर्शनेट नेट असेट्स पोर्शनेट नेटअसेट्स में इक्विटी कैपिटल एटी परसेंट और प्री एक्वेडिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट तो प्री एक्वेजन शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्विटी शेयर कैपिटल एटी परसेंट एट लैक्स का एटी परसेंट सिक्स फोर्टी और फोर थर्टी एट ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ठीक है तो ये हो गई तुम्हारी सब्सिडरी की वर्किंग एओपी बन गया एमआई बन गया सीओसी बन गया ठीक है ना अब क्या फॉर एसोसिएट फॉर एसोसिएट क्या लगाएंगे ए एस ट्वेंटी थ्री यहां क्या लगाया ए एस ट्वेंटी वन अब एसोसिएट में तुम क्या लगाओगे ए एस ट्वेंटी थ्री लगाओगे नहीं, नहीं, नहीं। याद है एसोसिएट में हम क्या करते हैं इक्विटी मेथड इक्विटी मेथड और इक्विटी मेथड कितनी बार लगाते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पे लगाते हैं और ईयर एंड पे लगाते हैं ठीक है ना डेट ऑफ एक्विजिशन पे और ईयर एंड पे डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम क्या करते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हमारी एसोसिएट में कितनी है वन ठीक है और उसको कंपेयर करते हैं नेट प्रपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट नेट असेट असोसिएट के कितने हैं के नेट असेट है पांच लाख बेटा ये ना अगेन ये अगेन मैं बोलूंगा कि गड़बड़ हो गई है तो पांच और तीन बेटा आठ लाख ठीक है तो आठ लाख आठ लाख का ठ लाख का थर्टी परसेंट आठ लाख का थर्टी परसेंट एट लाख का नहीं 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सॉरी गलती हो गई नेट प्रपोशनड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्रपोशनड नेट असेट सॉरी माय मिस्टेक तो प्रपोशनड नेट असेट के लिए मुझे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन मेरा वन जुलाई को है और उस दिन फर्स्ट uh, अप्रैल को एसोसिएट का प्रॉफिट था वन ट्वेंटी हो गया थ्री लैख क्लोजिंग हो गया थ्री लैख वेट 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 यहां पर इक्विटी कैपिटल जुलाई को मुझे चाहिए कौन बताएगा आप में से मुझे रिजर्व सरप्लस वन जुलाई का जिसके लिए रिजर्व सरप्लस का अकाउंट बनाकर ओपनिंग वन ट्वेंटी क्लोजिंग थ्री लैख तो नेट प्रॉफिट कितना आया वन एटी नेट प्रॉफिट आया वन एटी का तो वन एटी का नेट प्रॉफिट आया वन एटी का प्रॉफिट बारह महीने का है तो इसमें तीन महीने का जोड़ देंगे मतलब एओपी बनाएंगे ना सर हाँ तुम एओपी टाइप से भी बना सकते हो जिससे तुम उसका प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस फाइंड आउट कर सकते हो जल्दी मुझे बना के दो तो जल्दी जल्दी बना के दो प्री पोस्ट वन ट्वेंटी वन एटी प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट वन एटी इंटून एटी इंटू थ्री बाय ट्वेल्व फोर्टी फाइव थाउजेंड तो ये हो गया वन सिक्सटी फाइव और इसमें से हट गया वन थर्टी फाइव मिल गया भाई तो वन सिक्सटी फाइव तो प्रोपोर्शनेट नेट असेट हो गए सिक्स सिक्सटी फाइव उसका थर्टी परसेंट तो ये हो गया वन नाइन्टी नाइन फाइव हंड्रेड तो बताओ क्या करोगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आ गया कैपिटल रिजर्व एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बोलो क्लियर हुआ कि नहीं फिर आप एंड पे अगेन करते हो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स का कैरिंग अमाउंट अब आ जाएगा वन नाइनटी नाइन फाइव हंड्रेड और इसमें ऐड करोगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर पोस्ट एक्विजिशन शेयर पोस्ट एक्विजिशन शेयर पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है थर्टी परसेंट ये आएगा चालीस पांच सौ तो बताओ जी आपके इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे टू फोर्टी के और यहां पर एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेट पीएं कितने से चालीस पांच सौ से गाइस पहले मुझे बताओ इतना पोर्शन आया कि नहीं बताओ जी इतना पोर्शन आया कि नहीं 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 आई नहीं आई नहीं नहीं आई ठीक है तो ये इक्विटी मेथड के हिसाब से हमने फॉलो कर लिया बस हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है अब हम तीसरा करेंगे तीसरा करेंगे फॉर जेवी हम यहां फॉलो करेंगे प्रपोशनेट कंसोलिडेशन मेथड ए एस ट्वेंटी सेवन तो सबसे पहले तो एओपी बनेगा ही बनेगा प्री पोस्ट टोटल प्री पोस्ट टोटल तो ओपनिंग वन फिफ्टी और क्लोजिंग जेवी का है फोर फिफ्टी तो ये हो गया थ्री लाख रिजर्व एन टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थ्री मंथ्स का पोस्ट प्रॉफिट चालीस पांच सौ कैसे आया बेटा एक पैंतीस का बेटा एक पैंतीस का तीस परसेंट ये पोस्ट प्रॉफिट एक पैंतीस है उसका तीस परसेंट तीस परसेंट ठीक है ठीक है तो यहां पर क्या होगा होल्डिंग का शेयर कितना होगा होल्डिंग का शेयर कितना है फिफ्टी परसेंट सर माइनॉरिटी नहीं यहां माइनॉरिटी नहीं निकलता वन वन टू फाइव हंड्रेड वन वन टू फाइव हंड्रेड ठीक है ये हो गया कंसोलिडेट पी एंड एल में चला जाएगा ऑफ एच अब बनेगा सीओसी सीओसी में क्या बनेगा इन्वेस्टमेंट्स कितने के इन्वेस्टमेंट किए गए हैं भाई पांच लाख के माइनस प्रपोशनेट प्रोपोर्शनेट प्रपोशनेट असेट में इक्विटी कैपिटल और प्री प्रॉफिट प्री प्रॉफिट वन वन टू फाइव हंड्रेड इक्विटी कैपिटल छह लाख छह लाख का तीन लाख चार लाख बारह हजार पांच सौ तो यहां आ गया गुडविल जो माइनस करेंगे ये आ जाएगा एटी सेवन फाइव हंड्रेड बोलो बेटा ये हो गया तुम्हारा जेवी के लिए बताओ जी जेवी का पॉइंट हो गया कि नहीं पर अभी एक चीज बची हुई है रिजर्व्स रिजर्व सरप्लस रिजर्व्स रिजर्व सरप्लस इसमें बैलेंस ऑफ होल्डिंग होल्डिंग कंपनी का बैलेंस कितना है नाइन लाख अब बताओ होल्डिंग कंपनी को क्या क्या मिला पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कहां से एस से मिला जेवी से असोसिएट uh, से मिला और जेवी से मिला शुरू से दिखा देता हूं एस से मिला सबसे पहले एस से मिला कितना वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू फिर एसोसिएट से मिला एसोसिएट से मिला ये देखो कंसोलिडेटेड पेंडल चालीस पांच सौ और जेवी से मिला जेवी से कितना मिला जेवी से वन वन टू फाइव हंड्रेड मिला बारह लाख पंद्रह कैपिटल रिजर्व यहां तो गुडविल आया इधर 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 में इदर, में क्या आया था गुडविल आया था पर एसोसिएट के के केस में कैपिटल रिजर्व आया था नाइन फाइव हंड्रेड थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड बारह चौवन पांच सौ बारह चौवन पांच सौ अब हम क्या करेंगे सर अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसकी ऑफ कोर्स एच लिमिटेड की तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कितना टेन लैक्स रिजर्व रिजर्वेंस सरप्लस कितना ट्वेल्व फिफ्टी फोर फाइव हंड्रेड इंटरेस्ट याद है आपको सब्सिडरी कंपनी वाला लाइबिलिटीज का क्या करोगे आ जाओ मेरे बच्चों लाइबिलिटीज का ध्यान से देखो क्या होगा होल्डिंग की इलेवन लैख सब्सिडरी की भी पूरी आएगी सिक्स फिफ्टी जेवी की जेवी की प्रपोशनेट आएगी 550 का आधा 550 का आधा 275 और सर एसोसिएट कंपनी की बेटा एसोसिएट कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को हम रिवेल्यू करते ठीक है ना 11 लाख 650 275 कितना आया 20 लाख पच्चीस हजार इसको बाद में टोटल करते रहना फिर तुम इसमें लिखोगे यहां पर इन्वेस्टमेंट इन असोसिएट कंपनी असोसिएट कंपनी के इन्वेस्टमेंट को तुमने रीवैल्यू किया था याद करो 240 पे इसके अलावा तुम यहां लिखोगे गुडविल गुडविल एस से मिला था हमें 22 और जेवी से मिला था हमें गुडविल 87500 सेवन वन जीरो नाइन फाइव हंड्रेड अदर असेट्स हम दिखाएंगे होल्डिंग सब्सिडरी जेवी ठीक है ना हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट तो बताओ होल्डिंग बारह चालीस हाँ बाईस और जेवी का आधा आठ तो यह तीस तीस बयालीस चालीस अब तुम मुझे पहले टोटल बना दो नीरज भाई बहुत बढ़िया नीरज बहुत बढ़िया आप कैसे हो नीरज सी फाइनल की पढ़ाई कैसी चल रही है एफ आर के बाद कौन सा सब्जेक्ट उठाया आपने कहा हो आजकल आर्टिकलशिप कैसी चल रही फोर्टी फाइव एटी नाइन फाइव हंड्रेड ंड्रेडस nice. ये था तुम्हारा मास्टर मास्टर क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है जिसमें होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब आ गया आर्टिकलशिप से लीव मिल गई भाई बहुत बढ़िया शानदार नीरज बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार अभी विशाल सर का लेक्चर खत्म किया अच्छा ओके 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 चलिए गाइज चलो नीरज ऑल द वेरी बेस्ट अगर मेरी कुछ जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना और मुझे पीछे मैसेज करते रहा करो व्हाट्सएप के चलो नीरज ठीक है ऑल द बेस्ट ठीक है सर गाइज दिस वॉज योर ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट वेंचर हो गया ज्वाइंट वेंचर में सर एक और पॉइंट बचा था सर नहीं सर एक और पॉइंट बचा तो नहीं सर एक और मैं डाल देता हूँ डोंट वरी मैंने किया था आपने नहीं देखा मैं देख लेता हूँ यार नीरज कैसी बातें करते हो कॉल कर लिया करो यार एक लास्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन बिटवीन अ वेंचरर एंड ज्वाइंट वेंचर देखो वेंचरर और ज्वाइंट वेंचर के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे सेल परचेस के तो बस इतना याद रखना है कि अगर मैं अपने जेवी को कुछ बेच रहा हूं तो लॉजिकली मैं अपने आप को ही कुछ बेच रहा हूं आपको समझा नहीं मान लो मान लो एक जेवी है जिसके अंदर विशाल सर और जय सर है और इधर जय सर इंडिविजुअली एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जय सर इस जेवी को गुड्स सेल कर रहे हैं गुड्स सेल कर रहे हैं ठीक है ना कितने की कॉस्ट के वन लाख की कॉस्ट के कितने की सेल पे वन ट्वेंटी की सेल पे तो कितने का प्रॉफिट जय सर ने कमाया चलो बताओ जय सर ने कितने का प्रॉफिट कमाया अगर आपको लगता है कि जय सर ने ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट कमाया है तो आप गलत बोल रहे हो क्योंकि जय सर बोलेंगे कि यार मैंने ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट कमाया विशाल सर और जय सर से उपस! मैं और मान लो ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है मान लो ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है तो जय सर बोलेंगे कि लॉजिकली मैंने अपने आप से आधा प्रॉफिट कमाया वो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा नहीं बाकी मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा बाकी मैं वो रिकॉर्ड करूंगा जो मैंने विशाल सर से प्रॉफिट कमाया आया समझ में कि नहीं तो ऐसे केस में बस ये होता है कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन जेवी एंड वेंचरर होता है ना तो वेंचरर अपने हिस्से का प्रॉफिट बुक नहीं करता तो वेंचरर जय की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी जय की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी सोचो मैं विशाल सर को डेबिट करूंगा विशाल नहीं विशाल सर सॉरी भाई विशाल सर या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा कितना सिक्सटी थाउजेंड से मुझे विशाल सर से सिक्सटी थाउजेंड चाहिए ठीक है और मैं आ, क्या बोलते हैं मेरी मेरी जो इन्वेंट्री होगी वो डी हो जाएगी टू इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री कितने की डी रिक्ज हो जाएगी वन लाख की इन्वेंट्री डी रेक हो जाएगी पर ये कहां चली गई जेवी जेवी में अब जेवी में अब जो भी है उसका हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए तो शेयर इन जेवी वाली इन्वेंट्री शेयर इन जेवी वाली इन्वेंट्री जेवी में कितने की इन्वेंट्री चली गई एक बीस की उसमें से आधी मेरी मतलब साठ पर उस साठ के अंदर दस का प्रॉफिट शामिल है मतलब मैं दिखाऊंगा पचास मैं दिखाऊंगा पचास तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने गेन अर्न किया टेन थाउजेंड का मैंने टेन थाउजेंड का गेन अर्न किया कुछ आया समझ में तो जब भी एक वेंचरर अपने ज्वाइंट वेंचर के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो वो अपने हिस्से का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करता है अब दूसरा सुन लो जेवी जेवी के अंदर कौन विशाल सर और जय सर विशाल सर फिफ्टी परसेंट जय सर फिफ्टी परसेंट जेवी ने एक पीपी सेल किया किसको विशाल सर को जेवी ने पीपी सेल किया विशाल सर को पीपी -पी का कॉस्ट कितना टू लैख सेल कितना टू फिफ्टी तो विशाल सर क्या बोलेंगे विशाल सर बोलेंगे मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरी असेट परचेज कर ली अपने आप से और जय से तो विशाल सर बोलेंगे जो मैंने विशाल अपने आप से वाला शेयर परचेस किया उसको तो मैं कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा और जो मैंने जय वाला शेयर परचेस किया वो मैं पूरा पूरा रिकॉर्ड करूंगा तो विशाल सर की बुक्स में पहले से ही असेट कितने की दिख रही होगी ऑलरेडी शोइंग शेयर इन पीपीई ऑफ जेवी कितना दिखा रहे होंगे वन लाख विशाल सर की बुक्स में क्योंकि ये असेट जेवी के पास रखी हुई थी ना दो लाख की तो विशाल सर अपनी बुक्स में एक लाख का शेयर दिखा के बैठे थे अब विशाल सर बोलेंगे यार मेरे पास तो पूरी पीपी -पी आ गई तो विशाल सर क्या एंट्री करेंगे विशाल सर बुक्स विशाल सर की बुक्स में एंट्री होगी पीपी अकाउंट डेबिट पता नहीं कितना छोड़ दो तुम क्या गया टू शेयर इन पीपी पीपी -पी का शेयर गया विशाल सर बोलेंगे भाई एक लाख रुपए की पीपी -पी जो मैं ऑलरेडी दिखा के बैठा था आधी तो जय ने दिखाई होगी दो लाख में से और आधी मैंने ठीक है और मुझे जय को पेमेंट करना है टू जय सर या टू बैंक कितना पेमेंट करना है आधा ढाई लाख का ट्रांजेक्शन वैल्यू का आधा एक पच्चीस तो विशाल सर पीपी -पी को कितने में दिखाएंगे विशाल सर पीपी -पी को दिखाएंगे बैलेंसिंग फिगर पे मतलब दो पच्चीस पे मतलब जब वेंचरर जेवी से कुछ खरीदेगा तो उसको रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू माइनस ओन प्रॉफिट तो कैसे याद रखोगे रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू माइनस ओन प्रॉफिट खुद का प्रॉफिट थोड़ी विशाल सर रिकॉर्ड करेंगे भाई विशाल सर तो जानते ना कि यार ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली दो लाख की थी जो मुझे बेची गई है दो पचास में तो उसमें तो पच्चीस हजार का तो प्रॉफिट ऑफ शेयर मेरा खुद का ही हुआ तो विशाल सर अपनी बुक्स में में ये प्रॉपर्टी को कितने दिखाएंगे वैल्यू माइनस ओन प्रॉफिट ठीक है और वैसे ही जब जय सर ने बेचा था तो जय सर प्रॉफिट कितना दिखाएंगे गेन फ्रॉम विशाल सर गेन फ्रॉम विशाल सर जय अपना वाला थोड़ी गेन दिखाएगा आई बात समझ में कि नहीं और जय ने भी जब प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की तो प्रॉपर्टी कितने में रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ओन शेयर माइनस ओन प्रॉफिट ओन प्रॉफिट ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी थी 120 120 में खुद का शेयर 50% परसेंट मतलब 60000 माइनस ओन प्रॉफिट ठीक है तो कुल मिला के ट्रांजेक्शन वैल्यू से ओन प्रॉफिट हटाना है यहां पर विशाल सर के पास पूरी पूरी पीपी -पी आ गई तो उन्होंने प्रॉफिट हटा दिया यहां पे जय जय के यहां से पूरी इन्वेंट्री चली गई और इन्वेंट्री का शेयर आ गया तो इन्वेंट्री का जो शेयर आया उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू का अपना हिस्सा उसमें से माइनस ओन प्रॉफिट बस ये करना है अगर आप उसके बेसिस पर नाइन्थ और टेंथ और इलेवेंथ एग्जाम्पल एक बार कर लोगे ना तो हो जाएगा एक बार ट्राई करना अगर तुम सिर्फ टेंथ और इलेवेंथ भी करोगे तो भी चलेगा एक बार ट्राई करना सब समझ में आ जाएगा ठीक है बोलो जी क्लियर इसी के साथ हमारा जेवी भी हो गया खत्म स्वाहा हो गई श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि भाई साहब ठीक है तो ए एस ट्वेंटी थ्री खत्म ए एस ट्वेंटी सेवन खत्म मैं फर्दर के कुछ और क्या आपको चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं मैं फर्दर क्या आपको पढ़ाने वाला हूं ए एस ट्वेंटी थ्री भी खत्म ट्वेंटी सेवन भी खत्म तो अब क्या होने वाला है अब हमारे और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं ठीक है ना जो रेगुलर वालों के कुछ पेंडिंग थे तो फिलहाल अभ्यास और रेगुलर वाले बच्चे कॉमन ही जो अभ्यास वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ कॉमन ही कॉमनली इन्हीं टॉपिक में जुड़ेंगे जो मुझे रेगुलर वाले बच्चों को करवाना है जैसे है अगला टॉपिक अपना ए एस फाइव अगला टॉपिक है अपना ए एस फाइव ठीक है फिर ए एस नाइन फिर ए एस सत्रह फिर ए एस उन्तीस डोंट वरी सब हो जाएगा एक एक करके सब कर लेंगे ठीक है चलो गाइस अभी के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर जय माता दी लव यू